हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे मोदी मंत्रिमंडल का जो फेरबदल किया गया है, जो सेकेंड लिस्ट आई है मोदी मंत्रिमंडल की, पूरी अपडेटेड लिस्ट को आज हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, पूरी मेमोरी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और पूरा लिस्ट एक बार में याद कर लेंगे। आप पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन अगर इससे इस सेक्शन से पूछा जाता है, जो कि करंट अफेयर्स के लिए अभी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, उससे आपको क्वेश्चन ना छूटे। तो उसको करने से पहले आपको बता दें कि 7 जुलाई 2021 को मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ी फेरबदल हमें देखने को मिली, जिसमें कि बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और बहुत सारे नए चेहरे भी हमें देखने को मिले। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये सारा कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। मैं प्रीतम कुमार आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए कह रहा हूं, जिससे कि आपको पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। और एक ट्रिक के साथ हम इसको देखने जा रहे हैं। 43 मंत्रियों को 7 जुलाई 2021 को 43 मंत्रियों ने शपथ ली, और इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में पहले 57 मंत्री थे और अब 77 मिनिस्टर हो गए हैं। पूरी 77 मिनिस्टर हो गए हैं, और अगर मोदी जी को मिलाकर देखा जाए तो पूरे 78 मिनिस्टर हैं। ठीक है, मोदी मंत्रिमंडल में पूरे 78 मिनिस्टर हैं, और अभी जो 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, जैसे कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए वहीं बात करते हैं कि अब कौन से मिनिस्टर को कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है। देखिए, हम लोग इसको ट्रिक से भी देखेंगे, इसीलिए आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपको गारंटी है कि इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको सारा का सारा टर्म फैक्ट याद हो जाएगा। राजनाथ सिंह को मिला है रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह से आपको याद रखना है राजन या फिर राजा, जो राजा होते थे उस पर ही प्रजा के रक्षा का दायित्व उसके ऊपर ही होता था। राजा पर प्रजा के रक्षा का दायित्व होता है, इसीलिए राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वहीं अमित शाह को मिला है गृह मंत्री, और एक नए मंत्रालय का अभी अभी बनाया गया है, जिसे सहकारिता मंत्रालय कहा गया। ठीक है, और इसके मंत्री भी बने हैं अमित शाह से आपको याद रखना है अम्मी। ठीक है, अम्मी मम्मी, तो जो घर में अम्मी होती हैं, जो मम्मी होती हैं, ठीक है, वही घर में सर्वे सर्वा होती हैं और उन्हीं के हाथ में घर का सारा दारोमदार होता है। तो जो अम्मी हैं, जो मम्मी हैं, वो कहते हैं उन्हें कि घर की होम मिनिस्टर कौन है, तो हमारी मम्मी है। घर की होम मिनिस्टर कौन है, हमारी मम्मी है, अम्मी है। अमित शाह से आपको याद रखना है अम्मी, और अमित शाह को मिला है गृह मंत्रालय, याद हो गया होगा। नितिन गडकरी को मिला है सड़क और परिवहन मंत्रालय, यानी कि अब सड़क और परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। गडकरी से याद रखना है गड्ढा। तो जो हमारे देश में रोड का स्थिति कैसा है, जब आप परिवहन करते हैं, जब आप परिवहन करते हैं, तो आप देखते होंगे कि सड़कों में गड्ढे भरे पड़े हैं, इसीलिए गडकरी साहब को इन गड्ढों को भरने के लिए दे दिया गया है। सड़क और परिवहन मंत्री आप देखिए और आप इन गड्ढों को भरिए। तो सड़क और परिवहन मंत्री कौन है, गडकरी साहब। निर्मला सीतारमण जी का नाम तो आप जानते ही होंगे, बहुत दिनों से फाइनेंस मिनिस्टर ये बनी हुई हैं, और अभी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही हैं, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कृषि मंत्रालय। आप अगर इस तरह के नाम देखें जिसमें इंद्र शब्द छिपा हुआ हो, तो इसमें कृषि, जल, इस तरह के मंत्रालय इन्हें दिया गया है, जो कि बहुत आसान कर दिया है हमारे लिए। तो नरेंद्र आपको इंद्र से याद रखना है, इंद्र भगवान जब वर्षा करवाएंगे तभी तो कृषि संभव है, तभी तो खेती संभव है, इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय दिया गया है। तोमर से आप एक और एक ट्रिक इसको देख सकते हैं कि तोमर को तोरी से रिलेट करके देख सकते हैं, और तोरी आप लोग अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो बता दें कि तोरी एक प्रकार की सब्जी होती है और सब्जी को कृषि के माध्यम से ही उगाया जाता है। तोमर को तोरी से रिलेट करके आप देखेंगे, तोमर को तोरी से, और तोरी मतलब कि कृषि मंत्रालय। एस जयशंकर को विदेश मंत्री याद रह जाएगा। ये हैं राजनाथ सिंह, ये हैं अमित शाह, नितिन गडकरी, ये हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर, और ये हैं एस जयशंकर। अगला देखते हैं कि किनको कौन सा मंत्रालय मिला है। अर्जुन मुंडा, आपको बहुत आसानी होगी इसको याद रखने में। अर्जुन मुंडा, मुंडा नाम से आपको पता चल रहा है कि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, इसीलिए अर्जुन मुंडा को आदिवासी कल्याण मंत्रालय दिया गया है। आदिवासी कल्याण मंत्रालय अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। स्मृति ईरानी,
स्मृति ईरानी को दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, स्मृति ईरानी को दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और ईरानी से आपको याद रखना है, रानी, ईरानी को रानी से कोरिलेट करके देखना है। और रानी कौन होती थी, रानी किसे बनाया जाता था, महिला को, पुरुष तो रानी बनते नहीं थे, इसीलिए आपको ईरानी से याद रखना है, रानी से महिला, ठीक है। वहीं आपको देखना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हो गई बात। पीयूष गोयल को बहुत सारे मंत्रालय दिए गए हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, कपड़ा मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो पीयूष से अगर आपको इसे याद, इस तरह से एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक देखना है तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि पीयूष को यूज से रिलेट करके देख सकते हैं। पीयूष यूज, हम लोग अपने शरीर पर यूज क्या करते हैं, पहनने के लिए यूज करते हैं कपड़ा, और कपड़ा यूज करने के लिए हमें उपभोक्ता बनना पड़ेगा, हम जाकर खरीदेंगे तब जाके कपड़ा लेंगे, और अगर कपड़ा का कपड़ा कैसे आएगा तो उसके लिए उद्योग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पीयूष को यूज से आप याद रख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया, इससे पहले ये क्या थे, ये पेट्रोलियम मंत्री थे। तो वो सब बात इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, धर्म से, धर्मेंद्र से आपको याद रखना है धर्म, ठीक है, धर्म। और धर्म की शिक्षा सभी को होनी चाहिए, अपने अपने धर्म के बारे में जानकारी, अपने अपने धर्म की शिक्षा सभी को होनी चाहिए। तो धर्मेंद्र से आपको याद रखना है धर्म, धर्म की शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय। प्रहलाद जोशी, तो आपको इस जोशी से याद रखना है जोशीला, ठीक है, जोशीला, ठीक है। तो जो लोग जोशीला होगा, जो जोशीला होगा वही कोयला खान में काम कर पाएगा, जो जोशीला होगा वही कोयला खान में काम कर पाएगा। जो जो डरपोक होगा, जिसके पास जोश की कमी होगी, वो कोयला खान में काम नहीं कर सकता है। और संसद में जो नेता होते हैं, जो नेता लोग संसद में जोशीले अंदाज में भाषण देते हैं, जोशीले अंदाज में नेता लोग संसद में भाषण देते हैं, आप सुनते होंगे आए दिन, ठीक है। तो आपको जोशी से जोशीला याद रखना है, और जो जोशीला होगा वही कोयला खान में काम करेगा, और संसद में जोशीले अंदाज में नेता लोग भाषण देते हैं। नारायण राणे को मिला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, ये नया नाम है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर थे, पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं नारायण राणे, और इन्हें दिया गया है सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री। नारायण को याद रखना है आपको, नारायण, नारायण मतलब भगवान विष्णु, ठीक है, नारायण मतलब भगवान विष्णु। और जो भगवान विष्णु के लिए, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, किसी भी तबके को हो, सूक्ष्म हो, लघु हो, मध्यम हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी जाति से हो, मतलब नहीं है, उनके लिए सब सेम है। भगवान विष्णु के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम मायने नहीं रखता है, उनके लिए सब सेम है। तो आपको यहां से ये याद हो जाएगा, नारायण राणे को दिया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। और वहीं पर सर्वानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और सर्वानंद सोनोवाल को दिया गया है बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय। सर्वानंद से आपको याद रखना है सभी जगह आनंद, सभी जगह आनंद। अगर आपको कोई आशीर्वाद दे दे आयुष्मान भव, अगर आपको कोई आशीर्वाद दे देता है आयुष्मान भव का, ठीक है, आपको भगवान या फिर कोई ऋषि मुनि आयुष्मान भव कह देता है, तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपके आप सभी जगह आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो आयुष मंत्रालय दिया गया है सर्वानंद सोनोवाल को। और अगर हम लोग जलमार्ग से, जलमार्ग से जब यात्रा करते हैं तो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, सभी जगह आनंद ही आनंद मिलती है जल में यात्रा करते हुए। तो सर्वानंद सोनोवाल को क्या मिला, ये आप यहां से आपको याद हो गया होगा। अगला देखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। नाम से ही पता चल रहा है माइनॉरिटी है ये, ठीक है, माइनर है। तो यहां पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को, चलिए यह याद हो गया होगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को, ये आप यहां देखते होंगे वीरेंद्र कुमार हंस रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ये हंस रहे हैं, यहां आप देखेंगे वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार जो है ये वीर है, ठीक है, वीरेंद्र कुमार वीर है, और वीर जो होगा वही सामाजिक न्याय और अधिकार आपको दिला पाएगा, जो वीर होगा वही सामाजिक न्याय और अधिकार आपको दिला पाएगा। तो वीरेंद्र से वीर याद रखना है, और जो वीर होगा वही आपको सामाजिक न्याय और अधिकार दिला पाएगा। वहीं गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह को मिला है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत, पंचायती राज मंत्रालय। तो जो आजादी के बाद से गिरिराज से आपको याद रखना है गिरा, गिरा हुआ, ठीक है, गिरिराज से आपको याद रखना है गिरा हुआ। और आजादी के बाद से अभी तक, आजादी के बाद अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्रों का स्थिति है, जो पंचायती क्षेत्रों का स्थिति है, अभी तक वो भारत में गिरी हुई है। और इन्हीं गिरी हुई स्थिति को उठाने के लिए गिरिराज सिंह को मंत्रालय दिया गया है, पदभार दिया गया है। देखते हैं अब ये स्थिति उठती है कि नहीं, लेकिन तब तक आपको याद रखना है गिरिराज सिंह गिरा हुआ, और गिरा हुआ अभी तक स्थिति है ग्रामीण और पंचायती विभाग क्षेत्र की भारत में। वहीं याद रखिएगा आप ज्योतिरादित्य सिंधिया, नया नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये कांग्रेस में थे अभी बीजेपी में आ गए हैं।
कांग्रेस में थे, उड़कर ये बीजेपी में आ गए। जैसे ही ये उड़कर बीजेपी में आए, इन्हें दे दिया गया नागरिक उड्डयन मंत्री कि आप उड़कर आए हैं, इसीलिए आपको नागरिक उड्डयन मंत्री दे दिया जाता है, आप उड़ते रहिए। और ज्योतिरादित्य में आप यहां पर तीर भी देख सकते हैं, तीर। और आप देखते होंगे रामायण या महाभारत में तीर जब मारा जाता था धनुष बाण पर चढ़ा के, तो वो उड़ते हुए जाकर किसी को लगता था। तो तीर से याद रख सकते हैं, तीर उड़ रहा है। उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उड़ रहे हैं, और उड़कर कभी कांग्रेस में तो कभी बीजेपी में तो कभी कहीं और चले जाएंगे, इसीलिए आप उड्डयन मंत्री संभालिए। यहां पर देखिए आरसीपी सिंह जो कि रामचंद्र प्रसाद सिंह होते हैं, इनका पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो जो रामचंद्र प्रसाद सिंह है, इन्हें इस्पात मंत्रालय दिया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय दिया गया है। आपको इसे इस तरह से याद रखना है कि जो रामचंद्र राम है, रामचंद्र जी की मूर्ति होगी, वो इस बार स्टील से बनेगी, ना कि कंक्रीट से। ऐसा होगा नहीं, आप इसको ट्रिक से याद रखने के लिए इसे बोल सकते हैं कि जो रामचंद्र जी की मूर्ति है इस बार बहुत मजबूत बनेगी, स्टील की बनेगी। ठीक है, चलिए ये आपको याद हो गया होगा। अश्विनी वैष्णव को मिला है रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपको यहां दो तरीके से आप याद रखेंगे, अश्विनी को अश्व से याद रख सकते हैं, अश्विनी को अश्व से यानी कि घोड़ा। तो जब रेल नहीं था तो लोग एक जगह से दूसरे जगह संचार करने के लिए या फिर सूचना पहुंचाने के लिए किसका यूज करते थे, अश्व का यूज करते थे, घोड़े का यूज करते थे। तो अश्विनी को अश्व से, और अश्व जब रेल नहीं था तो संचार करने के लिए और सूचना पहुंचाने के लिए किसका यूज होता था, घोड़े का यानी कि अश्व का। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर आप ये याद रख सकते हैं वैष्णव, ठीक है, वैष्णव को वैष्णो देवी से याद रख सकते हैं कि वैष्णो देवी का मंदिर, अगर हम दर्शन के लिए जाते हैं वैष्णो माता का, तो वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए हमको रेल की आवश्यकता होगी, और संचार करने के लिए रेल की आवश्यकता होती है, सूचना को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेल की आवश्यकता होती है। तो वैष्णो माता से भी आपको याद रख सकते हैं। पशुपति पारस जो कि ये बिहार से हैं, और ये हैं पशुपति पारस, तो पशुपति पारस को दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। पहले ये मिनिस्ट्री था रामविलास पासवान के पास, तो वो तो डेथ कर गए हैं, तो अब जो है बिहार से हैं, और ये पशुपति पारस को दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, इन्हें दिया गया है। तो बात करते हैं, अगर पशुपति को याद रखना है, आप पशु से पशु को याद रख सकते हैं, पशुपति से पशु याद रख सकते हैं। और घर में जब हम पशु पालन करते हैं तो उनके खाने पीने के लिए, उनके खाने पीने का प्रोसेसन के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए हमें ध्यान रखना होता है। और जब पशु से याद रखेंगे तो उनके खाने पीने पर आपको ध्यान रखना होगा, भूखे तो आप रखेंगे नहीं, तो पशुपति से पशु याद रखना है, और उनके खाने पीने यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति पारस को दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ये यहां पर हंस रहे हैं, ठीक है, ये हंस रहे हैं क्योंकि इन्हें दे दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय। ये गजेंद्र साहब जी हंस रहे हैं क्योंकि इन्हें दे दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय। और हम बताए थे जहां पर इंद्र छिपा हो, और इंद्र भगवान जब गज यानी कि हाथी पर बैठकर घूमते हैं तो चारों ओर जल का बारिश करवाते हैं, तो गजेंद्र सिंह को मिल गया जल शक्ति मंत्रालय। चलिए वहीं पर बात करते हैं किरण रिजिजू की। तो किरण रिजिजू को पहले खेल मंत्रालय इनके पास था, और अभी इनके पास कानून और संस्कृति मंत्रालय आ गया है। खेल मंत्रालय किसके पास गया, अनुराग ठाकुर के पास, तो याद रखना है इस तरह से। तो किरण रिजिजू से याद रखना है कि किरण से आशा की किरण यानी कि न्याय के आशा की किरण अभी तक हमारे आंखों में जल रही है कि हमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक जिस तरह से हमारे देश का न्याय व्यवस्था है उसमें न्याय आशा की किरण केवल हम लोग देखते रहते हैं और बहुत दिन बीत जाता है। तो आशा की किरण देखते हैं अब न्याय मिलने के लिए कानून किस तरह से होता है किरण जी। और यहां पर जीजू से आप याद रख सकते हैं जज, और जज जो होते हैं वो कानून से रिलेटेड होते हैं, तो आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। वहीं आर के सिंह जिसका नाम है राजकुमार सिंह, तो राजकुमार सिंह जो है इन्हें मिला है ऊर्जा मंत्रालय, और हम इसको इस तरह से कह सकते हैं राजकुमार यानी कि राजकुमार वही बनेगा या फिर राजा वही होगा, ठीक है, जिसके पास ऊर्जा होगी, या फिर बोल सकते हैं राज वही करेगा, राजकुमार को राज से याद कर सकते हैं कि राज वही करेगा जिसके पास ऊर्जा भरी होगी, जिसमें ऊर्जा भरी हुई होगी वही राज करेगा, जिसमें ऊर्जा नहीं होगा, जो डल होगा, जो डरपोक होगा, जिसके पास ऊर्जा की कमी होगी वो राज नहीं कर सकता। तो याद रखना है आरके सिंह को, राजकुमार सिंह को ऊर्जा मंत्रालय से। यहां पर देखिए मनसुख मंडाविया, ये है मनसुख मंडाविया साहब, आपके तन मन में सुख की अनुभूति तभी होगी जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे,
ठीक है, आपके तन मन में यानी कि मन में आपकी सुख सुख की अनुभूति कब होगी, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो अभी स्वस्थ मंत्रालय दे दिया गया है मनसुख मंडाविया जी को, ये है मनसुख मंडाविया। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी यानी कि घर घर दीप, हरदीप का मतलब घर घर दीप जलेगा। कब जलता है, कैसे जलता है, घर घर दीप जलेगा तभी जब घर में फ्यूल की कमी नहीं होगी, पेट्रोलियम की कमी नहीं होगी। तो घर घर दीप तभी जलेगा जब घर में फ्यूल होगा, और फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम। तो हरदीप सिंह पुरी से आपको याद रखना है पेट्रोलियम मंत्रालय। भूपेंद्र यादव को मिला है श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय, ये है भूपेंद्र यादव को मिला है श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। तो भूपेंद्र से याद रख लेना है आपको भू, और भू मतलब होता है धरती, और अगर आपको धरती पर रहना है तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। आप मर जाएंगे तभी आप परिश्रम करना छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप सो सो के धरती पर नहीं जीवित रह सकते हैं। धरती पर रहना है तो आपको श्रम करना है, परिश्रम करना है, और अगर धरती पर रहना है तो पर्यावरण की रक्षा भी करनी होगी। विदाउट पर्यावरण के रक्षा किए हुए आप धरती पर आसानी से नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपको भूपेंद्र यादव में याद रखना है धू से धरती, और धरती का मतलब आपको श्रम करना होगा, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, ठीक है। महेंद्रनाथ पांडे को मिला है भारी उद्योग मंत्रालय, महेंद्रनाथ पांडे को मिला है भारी उद्योग मंत्रालय, और आपको इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, नाथ को याद रख सकते हैं साथ से, नाथ को याद रख सकते हैं साथ से, कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे, अगर हम साथ साथ मिलकर काम करें तो हमारे लिए भारी काम भी हल्का हो जाएगा, और अगर हम अकेले काम कोई करना चाहते हैं तो हमारे लिए काम बहुत भारी हो जाता है। तो हम साथ साथ मिलकर भारी काम को करेंगे, भारी काम को हम साथ मिलकर करेंगे, नाथ से याद रखना है साथ को, और साथ मिलकर हम भारी काम करेंगे। चलिए यहां पर पुरुषोत्तम रूपाला जी को कौन सा मंत्रालय मिला है, यह है पुरुषोत्तम रूपाला, यह है महेंद्रनाथ पांडे। तो पुरुषोत्तम रूपाला को मिला है डेयरी पशुपालन मत्स्य पालन मंत्रालय। तो आपको रूपाला से याद रखना है गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला। गोपाला का मतलब जैसे ही आ गया तो गोपाला का मतलब पशुपालन, गाय पालने से, और अगर आप गाय पालेंगे तो दूध देगी गाय, और गाय दूध देगी तो आप डेयरी पालन, ठीक है, डेयरी भी खोल सकते हैं। तो पशुपालन, डेयरी, और अगर साथ में आप की बात ये भी याद रख ले मत्स्य पालन। तो पुरुषोत्तम रूपाला को गोपाला से याद रखना है, गोपाला से, और गोपाला का मतलब पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जी किशन रेड्डी, ये हैं जी किशन रेड्डी, और इनको मिला है पर्यटन मंत्रालय। जी किशन रेड्डी को मिला है पर्यटन मंत्रालय। तो आप अगर पर्यटन यानी कि आप अगर टूर पर जाते हैं तो आप रेडी होते हैं कि नहीं, आप अगर टूर पर जाते हैं तो आपको रेडी होना होता है, आपको सामान पैक करना होता है, बहुत ज़्यादा रेडी होना पड़ता है। तो रेडी से याद रखना है रेडी को, और रेडी, आप अगर टूर पर जा रहे हैं, टूर पर यानी कि पर्यटन के लिए आप जा रहे हैं तो आपको रेडी होना होगा। तो जी किशन रेड्डी को आप रेडी से याद करेंगे, और रेडी होना पड़ता है हमें पर्यटन पर जाने के लिए। ये बात हो गई पर्यटन मंत्रालय से। वहीं अनुराग ठाकुर, ये अनुराग ठाकुर हैं, इन्हें खेल मंत्रालय मिला है, इन्हें पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा किया। और अनुराग ठाकुर को एक और मंत्रालय मिला है जिसका नाम है सूचना प्रसारण करने का मंत्रालय भी अनुराग ठाकुर जी को मिला है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ठाक को याद रख सकते हैं आप ढाक से, ढाक, ढाक सुना होगा आपने कि जब पुराने जमाने में कोई सूचना लोगों को देना होता था तो मुखिया या फिर राजा या फिर उस जगह के जो हेड होते थे वो क्या करते थे, एक आदमी को पकड़ते थे, उसके गले में ढाक पहनाते थे, और वो जाकर गांव-गांव में सुनो 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 कर ढाक से बजाकर सूचना को प्रसारित कर आ जाते थे। तो ठाकुर को आपको याद रखना है ठाक से ढाक, और ढाक से याद हो जाएगा आपको, तुरंत दिमाग में लग जाएगा सूचना प्रसारण करना, ठीक है। तो आपको यहां से ये पूरी लिस्ट याद हो गई होगी, आप इस वीडियो को दो बार देख लेंगे, आपको कभी भी ये गारंटी है ये पूरी मिनिस्ट्री जो कि मोदी मंत्रिमंडल 2.0 में आई है आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी मिनिस्ट्री है जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला है, ठीक है, जिसमें दो मिनिस्टर हैं, राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है, ये पूरा इसका लिस्ट हम पीडीएफ में डाल दिए हैं। आप वहां से इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ये दो मिनिस्टर हो गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला, और 45 मिनिस्टर हैं
45 मिनिस्टर हैं राज्य मंत्री। तो ये भी आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में ये सारे राज्य मंत्री काम करते हैं। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। श्रीपद येसु नाइक हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, अश्विनी कुमार चौबे हैं, अर्जुन राम मेघवाल है। तो इसकी पूरी मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, किस कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये सब काम करेंगे, ये पूरी लिस्ट आपको PDF में दे दी गई है। आपको कैबिनेट मिनिस्टर पूरे अच्छे से याद करा दिया गया। आप एक या दो बार वीडियो को देख लें और पूरे PDF को एक बार देखकर इसे रिवीजन कर लें। इसको पूरे PDF को देखकर इसमें 45 मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर हो गया स्वतंत्र प्रभार वाला और 30 मिनिस्टर हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। तो 30 मिनिस्टर कैबिनेट, 45 मिनिस्टर राज्य वाला, 2 मिनिस्टर हो गया स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो ये पूरा हो गया 77 और प्लस एक नरेंद्र मोदी, पूरी लिस्ट हो गई 78 मिनिस्टर की। अब होंगे हमारे देश में अब 78 मिनिस्टर्स हैं और इसके बारे में हम लोगों ने इस PDF में दे दिया है। आप एक बार उसको जाकर रिविजन कर ले। PDF डाउनलोड करने के लिए हमने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की ट्रिक वाली वीडियो GS से रिलेटेड चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इसी के वीडियो के नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। और लाइक करें, शेयर करें, लोगों में शेयर करें और इस पूरे वीडियो को फैला दे, लोगों में फैला दे, जिससे लोगों को हमारे चैनल के बारे में, हमारे मेहनत के बारे में पता चले कि आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें। हम मिलेंगे इसी तरह के बहुत ही ज्यादा ज्वलंत वीडियो के साथ। तब तक आपसे लेते हैं अलविदा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी आप यहाँ पे हासिल करके इसे याद कर लें।